यहाँ से शैम्पू वगैरह लेना है, तो मैं शैम्पू वगैरह सेक्शन में जाता हूँ। यार इम्तियाज़ से वापस आ गए, अभी एक जगह रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आपको गोलगप्पों की मेकिंग दिखाता हूँ, बनते हुए कैसे बनते हैं। आप गोलगप्पे खाने लगे हुआ है, उर्दू पॉइंट वाले पहुँचे हुए हैं, उर्दू पॉइंट वाला इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अभी यार एक तो काम याद आ गया, अभी हमने जाना है इम्तियाज़ पे। रास्ते की सारी इंशाल्लाह एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी निकले थे, तो सबसे पहले जो है हमारी मुलाकात हुई है वो उर्दू पॉइंट वालों से हुई है। उनके मैंने कुछ क्लिप बनाए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल आपको पता ही होगा कि IUB में जो वाकया हुआ है वो आपको पता ही है। तो उस मामले के लिए वो उर्दू पॉइंट वाले आए हुए थे, जैसे वो इंटरव्यूज ले रहे थे, कुछ शेयरिंग था, तो वो मुझे मिले। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए हैं, वो पहले आप देखें, फिर उसके बाद जो एक्टिविटी है वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखो ये IUB में जो मसला हुआ है, उर्दू पॉइंट वाले पहुँचे हुए हैं, उर्दू पॉइंट वाला इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। साथ ही इस्लामी यूनिवर्सिटी वो भावलपुर है, ये देखें, वो देखें, ये बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको उर्दू पॉइंट वालों के। ये आज इंटरव्यू लेने आया हुआ, भावलपुर में आया हुआ ये बंदा। सारी आवाम इकट्ठी होगी है बस जाहिलों की तरह। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का मेन एंट्रेंस है, ये देखें, वो इसका मेन गेट है। दूसरा ये दूसरा गेट है, यहाँ से सारी इंटर होती है। ये सारी बसें वगैरह देखें, सारी खड़ी हुई हैं। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, ये देखिए मेन गेट। यहाँ से शैम्पू वगैरह लेना है, तो मैं शैम्पू वगैरह सेक्शन में जाता हूँ, वहाँ से शैम्पू वगैरह लेते हैं हम। ये बैग्स की रेंज है इधर जी। यार इम्तियाज़ से वापस आ गए, अभी एक जगह रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आपको गोलगप्पों की मेकिंग दिखाता हूँ, बनते हुए कैसे बनते हैं। आप गोलगप्पे खाने लगे, गोलगप्पे खा के आपसे मिलते हैं। यार ये गोलगप्पे आ गए हमारे, बस अब इसको खा के अब मिलते हैं आपसे। अच्छा स्कूप पे हैं आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, ये इसके कुछ फ्लेवर हैं ये देखिए, तो आइसक्रीम खा के आपसे ना मिलते हैं वापसी पे। अच्छा कल यार मैं इम्तियाज़ पे गया था, वहाँ मैं बड़ा लेट हो गया था, तो अभी भी हिमानी पे आया हूँ। इनके शैम्पू बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से मुझे शैम्पू मिला नहीं है। इनके जो शैम्पू होते हैं वो टोटल हर्बल होते हैं, और कुछ इनकी रेंज नहीं भी है। ये जैसे कि ये डीप केयर है, ये बड़ा ज़बरदस्त शैम्पू है इनका, सल्फेट फ्री के साथ है, टोटल हर्बल। और भी इनकी बहुत सारी वैरायटी है शैम्पूज वगैरह की ना, तो मैं यहाँ से ये लेता हूँ, ये डीप केयर लेता हूँ, ये इनका अच्छा शैम्पू है। ये है हमारा WB हिमानी का ज़ीरो फ्रीज में, जिनके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। इसके अलावा हमारा एक न्यू शैम्पू है डीप केयर में, सल्फेट फ्री के साथ बिल्कुल शैम्पू है, डैमेज रिकवरी में है, ये बहुत ज़बरदस्त, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं शैम्पू के। इसके अलावा हमारा गार्लिक एंड अनियन के अंदर जो है 2-in-1 कंडीशनर भी है, और हेयर मास्क भी है, उसका शैम्पू भी है। इजाज़ असलम का परहेबन फ्री शैम्पू है, बिल्कुल ग्रोथ बूस्टिंग में, डेली नरिशमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रहेगा।
अच्छा यार, ये मैंने शैम्पू यूज किया आपको, ये जो आप ये गार्लिक वाला बता रहे हैं ना, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी हो रहा है। आप उसको थोड़ा सा कैल्प मॉइस्चराइज वो रखता है, इसलिए रखेगा क्योंकि वो आपके बालों के अंदर से ड्राइनेस या हेयर फॉल या किसी भी वजह से कुछ जो हो रहा है वो उसको स्कैल्प मॉइस्चराइजर इसमें ऐड किया गया है कि वो आपके जो बालों को जो है वो नरिश करेगा और फ्रेश रखे। अच्छा, ये गर्मी या फिर सर्दी में यूज़ कर लें या गर्मी सर्दी, आप इसको किसी भी टाइम में आप यूज़ करें तो इसका फायरल फीडबैक और कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, कस्टमर अच्छा रिजल्ट इसका दे रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे कोई स्ट्रेस करें, मैं इस टाइम आप अगर अभी यूज़ करना चाहते हैं, आपके हेयर टाइप ड्राई या फ्रीजी है, हेयर फॉल है आपके, हेयर फॉल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये डीप केयर में बहुत अच्छा शैम्पू है। इसके अलावा आप इंटेंसिव केयर थेरेपी में एलोवेरा में यूज़ करें, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। चले फिलहाल मुझे ये वाला दे दें डीप केयर, ये जो आपके नया आइटम है ये मैं ले लेता हूँ, इसका ये मुझे दे दें आप। अच्छा यार, मैंने शैम्पू वगैरह ले लिया, अब यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, वो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। देखो यार, कितना मज़े का ज़बरदस्त मौसम बना पड़ा है।